हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है ग्राफ फिटनेस पे। आज हम करने वाले हैं लेग शोल्डर और कोर। काफ़ी मजा आने वाला है। वीकेंड है, सैटरडे है, कल संडे है। स्टेप जरूर फॉलो करना है 6000 से 8000। नेक्स्ट वीक शायद अपन थोड़ा सा स्टेप भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कल तक तो आपको 6000 से 8000 के अराउंड आपको स्टेप करना ही करना है। अभी से शुरू करेंगे और वार्म अप करने का ध्यान रखिए। स्पाइडर स्ट्रेच करना है, लेग स्विंग करना, उसी के बाद हमें वर्कआउट स्टार्ट करना है। तो पहले वार्म अप कर लेते हैं, फिर वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वार्म अप मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस, फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे लेग एक्सटेंशन। और न्यू ईयर से अभी तक हमारे को 19 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज 20 शूट कर रहे हैं हम, और काफ़ी टाइम हो गया, पता भी नहीं पड़ा, इतने निकल गए। तो आज लेग स्टार्ट करते हैं। लेग एक्सटेंशन के हम 4 सेट करेंगे। रेपिटेशन 10-10 रहेंगे। वेट आप अपने अकॉर्डिंग लें और प्रॉपर करें, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। लेग एक्सटेंशन हमारा हो गया 4 सेट। इसके बाद हम करने वाले स्मिथ मशीन पे स्टिफ लेग। थोड़ा समझना पड़ेगा आपको इसको कैसे क्या करना है, और ये आपके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स पे अच्छा लोड आता है इसका। और इसके अंदर आपको नी लॉक नहीं करनी है, हल्की सी सॉफ्ट करके आपको नीचे तक लेके जाना है। तो देखते हैं कैसे करना है। पहले तो आप ग्रिप ले लीजिए, ठीक है? पास में भी ले सकते हैं, थोड़ा दूर भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा शोल्डर की विड्थ पे ही ले रहा हूँ, और थोड़ा सा जो लेग की डिस्टेंस रहेगी आपकी फुट की, वो थोड़ी शोल्डर से नैरो रहेगी अंदर की तरफ, ठीक है? अनलॉक करना है, बैक आर्च रखना है, आगे की तरफ नी स्ट्रेट करके जाना है। बिल्कुल लॉक नहीं करनी, हल्की सॉफ्ट करते हुए नीचे जाना है एंड ऊपर। 1-3 सेट करने हैं आपको इसके। बैक को राउंड नहीं करना है, बैक आर्च ही रहना चाहिए। तो गाइस, हमारे स्टिफ लेग हो चुकी है। स्टिफ लेग में आप ध्यान रखें, बैक को आर्च रखें, बैक को राउंड ना होने दें। ऐसे बैक राउंड नहीं होना चाहिए, बैक आर्च रहना चाहिए। उसके बाद हम करने वाले हैं, लास्ट टाइम जो हमने करा था वो एडक्शन था, और इस बार जो हम करने वाले एबडक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कैसे करना है आपको, ये अंदर की तरफ पैर रखना और ये बाहर की तरफ जाएगा, देखते कैसे करना है। थोड़ा आगे की तरफ बैठें, ग्रिप ले सकते हैं, यूँ हाथ रख सकते हैं, और इसको बाहर की तरफ फोर्स करना है। तो गाइस, नेक्स्ट हम करने वाले शोल्डर में बारबल ओवरहेड प्रेस। इसके अंदर आप सीटेड भी कर सकते हैं, स्टैंडिंग भी कर सकते हैं। सीटेड में इसलिए करता हूँ ताकि लोअर बैक पे हमें लोड नहीं आता है। स्टैंडिंग में थोड़ा सा लोअर बैक पे लोड आता है, इसमें हमें रेस्ट पोजीशन मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन लिफ्ट करने में थोड़ा सा हैवीनेस लगती है, ताकि उसका भी मजा है। तो स्टार्ट करते हैं ओवरहेड प्रेस। शोल्डर की वेट से थोड़ा सा बाहर की तरफ ग्रिप पकड़ना है, देन प्रेस। बारबल ओवर रेट के बाद हम करने वाले हैं बारबल पे अपराइट रोज। पहले मैंने इसको केबल पे बताया था, जैसे कि अगर आपसे बार पे नहीं हो पाए तो आप केबल पे भी कर सकते हैं। केबल पे थोड़ा सपोर्ट हो जाता है केबल का, ताकि आपके मूवमेंट सही जाए। प्लस आपकी शॉर्ट बार होती है तो आपका बैलेंस नहीं बिगड़ता है। अगर लॉन्ग बार लेंगे अभी हम, तो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ने का भी डर रहता है बिगिनर के अकॉर्डिंग। अगर आप थोड़े एडवांस हैं या फिर इंटरमीडिएट भी हैं, तो आप बारबल पे कर सकते हैं। तो इसके साथ हम सुपर सेट करने वाले हैं। एक तो अपराइट के आपके 10 रेपिटेशन होते ही आपको स्विस बॉल पकड़ के ट्विस्ट करना है। तो ये दोनों एक्सरसाइज सुपर सेट में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपराइट करने के लिए शोल्डर की विड्थ पे मैंने ग्रिप ली है बार की, और शोल्डर की विड्थ पे ही मैंने लेग की डिस्टेंस रखी है। और अब आपको क्या करना है, इसको ऊपर करते टाइम एल्बो पहले जाना चाहिए और रोड उसके बाद आएगी। तो देखिए कैसे करना है, ये एल्बो पहले गई और रोड बाद में आई। अगर आप ऐसे करते हैं तो वो गलत है।
ठीक है। और एक चीज़ और मैं ध्यान रखिएगा, जैसे मैं करता हूँ, एकदम स्ट्रेट खड़ा नहीं रहता हूँ, हल्का सा आगे की तरफ टिल्ट हो जाता हूँ, हल्का सा आगे की तरफ झुक जाता हूँ, ताकि मेरे को ट्रैप्स पे ज़्यादा लोड आए। तो देखें कैसे करना है। अपराइट होते ही आपको स्विस बॉल, इसको हमें स्विस बॉल बोलते हैं या फिर योगा बॉल भी बोल सकते हैं, स्विस बॉल को पकड़ के आपको ट्विस्ट करना है। तो देखिए कैसे करना है, साइड व्यू दिखाता हूँ। शोल्डर की वजह से हल्का सा थोड़ा सा बाहर, पैर को विट को खोलना है और स्ट्रेट पकड़ना है, फिर ट्विस्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज की लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है लेग की, हम करेंगे सीटेड काफ रेस, इसके साथ में करेंगे स्विस बॉल पे साइड बेंड। तो ये सुपर सेट में करना है, 10 रेपिटेशन इसके करने, 10 रेपिटेशन या फिर 20 रेपिटेशन तक आप स्विस बॉल पे साइड बेंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। काफ रेस के साथ में आपको स्विस बॉल साइड बेंड करना है। देखिए कैसे करना है, शोल्डर की वजह से थोड़े से पैर आपको ज़्यादा खोल लें और बॉल आपको ऊपर की तरफ पकड़ना है। अब यहाँ से आपको बैंड होना है, एक बार इस साइड देन इस साइड, ठीक है। ऐसे आपको 15 या 20 रेपिटेशन करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज का वर्कआउट कंप्लीट हुआ, लेग शोल्डर एंड साइड्स, काफ़ी अच्छा वर्कआउट था आज का। और इसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करना ना भूले, स्ट्रेचिंग करना है, डेली करना है, आज भी करना है, रोज करना है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, इंजरी से बचेंगे और आपको क्रैम्प्स नहीं आएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।